नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में कुछ नया ना हो ये हो नहीं सकता। हर दिन उत्तर प्रदेश का चुनाव एक नए समीकरण को बढ़ा रहा है, बना रहा है। कुछ राजनीतिक दल जोड़ के दूसरे राजनीतिक दलों के साथ आकर के उत्तर प्रदेश में नए समीकरण को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दलों से अलग होकर नए ठिकानों की तलाश में हैं। ऐसे में आपने उत्तर प्रदेश में कई सारे वोट बैंकों के बारे में भी सुना होगा, जिसको दलित वोट बैंक, क्षत्रिय वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, निषाद वोट बैंक, राजभर वोट बैंक, इन सारे वोट बैंकों के बारे में हम रोज सुन रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश के चुनाव जैसा होता है। लेकिन इन सबके बीच में उत्तर प्रदेश में एक नया वोट बैंक आ गया है और उस वोट बैंक का नाम है महिला वोट बैंक। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। बीते दिनों लगातार वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग मुद्दों पर पीड़ितों के साथ, पीड़ितों के पास जाकर के उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश भी की है और इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की समस्याओं के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश में महिलाओं का उद्धार कैसे होगा इसको लेकर के आज एक मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस मैनिफेस्टो से उत्तर प्रदेश की महिलाओं का, उत्तर प्रदेश की बालिकाओं का विकास होगा। कितना होगा ये तो नहीं पता, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तब कांग्रेस इस मैनिफेस्टो को लागू करेगी। इस मैनिफेस्टो में कई सारी प्रमुख बातें कही गई हैं, लेकिन सबसे अहम बात हमें इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ही 9% है। ये ऐसा प्रदेश है जहां पर आज भी सभासदपति, बीडीसी पति, मेयर पति, प्रधानपति, इन लोगों का दबदबा रहा है। मतलब महिला अगर जीतती भी है चुनाव तो उनके पति जो हैं वो सारा काम करते हैं और महिलाएं सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए रखी जाती हैं। ऐसा रिप्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश का रहा है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर घर के पुरुष ये फैसला करते हैं कि महिलाएं वोटिंग मशीन में बटन कहां दबाएंगी या मोहर कहां लगाएंगी और उसी के आधार पर घर की जो महिलाएं होती हैं वो वोट देकर आती हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना ये कितना सही होगा, और इस रिप्रेजेंटेशन वाले बयान के बाद, इस महिला मैनिफेस्टो के बयान के बाद, इस महिला मैनिफेस्टो को जारी करने के बाद अन्य राजनीतिक दलों के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी समस्याएं होंगी, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल प्रियंका गांधी के मैनिफेस्टो के बारे में बताया जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी दी जाएगी। आंगनबाड़ी और आशा बहुओं को 10,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। 75 दक्षता विद्यालय खोले जाएंगे, जो इसके अलावा महिलाओं के लिए फ्री बस की यात्रा भी उन्होंने दी है। सरकारी पदों में आरक्षण होगा और 40% महिलाओं को इसमें नियुक्ति दी जाएगी। सालाना 3-3 गैस सिलेंडर जो है वो महिलाओं को दिए जाएंगे और इसके अलावा 40% महिलाओं को कांग्रेस प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जो महिला वाला फैसला कांग्रेस ने किया है ये कितना कारगर सिद्ध हुआ है इस पर भी एक नजर डाल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इतिहास कहता है उस इतिहास में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन और सदन में उनकी भाग्यता कितनी रही है इसके बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है। 2017 का विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें 445 महिला कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी थी और उसमें से 40 महिलाएं जीत करके सदन पहुंची थी। ये सबसे अहम बात है, क्योंकि अब तक उत्तर प्रदेश में अगर 1952 के बाद के चुनाव को देखा जाए तो सबसे ज्यादा महिलाएं 40 पहली बार किसी चुनाव में, किसी विधानसभा चुनाव में जीतकर सदन पहुंची, और वो है 2017 का विधानसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी के खाते में 34 महिला थी, बसपा कांग्रेस के 2-2, जिसमें से कुछ अभी इधर उधर जा चुकी हैं, और समाजवादी पार्टी और अपना दल से 1-1 महिला। 2012 में समाजवादी पार्टी के खाते में 19 महिला जीत कर आई थी विधायक, बीजेपी के 6, कांग्रेस बसपा के 1-1। 403 विधानसभा सीटों वाली इस प्रदेश में 33% कोटे की अगर बात करी जाए तो वो हमेशा से नागवारा रही है, क्योंकि कारण कई सारे रहे हैं। कभी कभी
पितृसत्तात्मक छवि, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है, देश के लिए कहा जाता है कि यहां पर पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है राजनीति में। कहा जाता है कि पुरुष अगर राजनीति कर रहा है तो उसको उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने इस बात को झुठलाया जरूर है, लेकिन अभी भी राजनीतिक दल इन महिलाओं को या फिर इन महिलाओं कैंडिडेट्स को टिकट देने पर, राजनीति में आगे लाने पर कन्नी काटते हुए दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं इसके बारे में नहीं पता। प्रियंका गांधी उस मिथक को तोड़ने में लगी हुई है और इसी वजह से उन्होंने आज ये अपना मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया है। इसके अलावा अगर हम बताएं तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं को अगर सबसे ज्यादा भागीदारी कोई राजनीतिक दल देता आया है तो वो समाजवादी पार्टी और बसपा रही है, 8-8%। बीजेपी 4-5% उन्होंने महिलाओं को भागीदारी दी और कुछ इसी तरह से कांग्रेस ने भी दी है। और एक आंकड़ा भी मेरे पास रखा है कि 1952 में 20 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची थी, 57 में 18, 62 में 20, 1967 में 6, 1969 में 18, 74, 1974 में 21, 1977 में 11, 1980 में 23, 1985 में 31, 1989 में 18, 91 में 10, 93 में 14, 96 में 20, 2002 में 26, 2007 में 23, 2012 में 35 और सबसे ज्यादा 2017 में 40। तो ये इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश में महिलाओं की नेतृत्व का, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन का। लेकिन प्रियंका गांधी और कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन को मजबूत करने में लगी है, अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है, और इसका पूरा जो जिम्मेदार कंधा अगर कोई है तो वो प्रियंका गांधी खुद हैं। और इसी वजह से लगातार उन्होंने उत्तर प्रदेश के अलग अलग मुद्दों पर जनता के बीच जाकर के उनकी समस्याएं समझने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने इस ऐलान को किया कि हम 40% महिला कैंडिडेट उतारेंगे, और आज उन्होंने महिला मैनिफेस्टो जारी करते हुए ये कह दिया कि ये मैनिफेस्टो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सा बदलाव लाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो इस मैनिफेस्टो पर हम काम करेंगे और प्रदेश की महिलाओं बच्चियों के उद्धार पर बात करी जाएगी, काम किया जाएगा। तो क्या बीती सरकारें महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए नहीं सोचती थी? क्या बीती सरकारों के सामने अब काफी कुछ बदल गया है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के? क्योंकि महिला वोट बैंक उत्तर प्रदेश में 50% है और इनका वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से ज्यादा रहा है। तो अगर ये एक ओपन स्टेज पर आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति बहुत कुछ बदल जाएगी और सत्ता कहीं ना कहीं किसी और के खेमे में जाती हुई दिखाई देगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी तक कहा जा रहा था कि ये जो चुनाव है ये डबल कॉर्नर का चुनाव होते जा रहा है, जिसमें बीजेपी अलायंस जो कि एनडीए अलायंस है और दूसरा है समाजवादी पार्टी का अलायंस। कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में तो हैं, कांग्रेस मजबूत दिख तो रही है लेकिन लड़ाई में नहीं है। लेकिन क्या आज के मैनिफेस्टो के बाद बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा की समस्याएं बढ़ेंगी? क्या प्रियंका गांधी ने जो ऐलान कर दिया, इन ऐलानों के बाद समस्याएं खड़ी हुई हैं इन राजनीतिक दलों के सामने? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या बीते चुनावों में, बीते कार्यकालों में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों ने महिलाओं के लिए कुछ किया है या नहीं किया है, और अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का चुनाव महिलाओं के लिए क्या करने वाला है, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल महिलाओं के लिए क्या करने वाले हैं, ये देखना अहम है। एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते। महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहां पे महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके, जो एकदम महिलाओं को अपना पूरा फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, अपनी पूरी भागीदारी मिले राजनीति में, समाज में इस तरह की भागीदारी मिले जिससे उनका अत्याचार बंद हो, उनका शोषण बंद हो। वह अपने हक के लिए आज लड़ने को तैयार है और लड़ेगी। उस भावना से हमने ये घोषणा पत्र बनाया है ताकि लड़ने में हम मदद करें, समर्थन दें और महिलाओं को हम पूरी तरह से सशक्त बनाएं। हमने इसमें घोषणा पत्र में ये घोषणा की है कि नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं को की नियुक्ति होगी। इसका मतलब है कि जो हमने घोषणा की कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, उसमें से 8 लाख रोजगार महिलाओं के लिए होंगे। 50% तक महिलाओं को नौकरी देने वाले व्यवसायों को कर में छूट और सहायता मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों को सस्ता ऋणों और टैक्स रिफंड हेतु फंड मिलेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं वाले छात्रावास बनाए जाएंगे उनके लिए।
ग्रामीण और कुटीर क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं के लिए 10,000 रुपये का न्यूनतम मानदेय मिलेगा। सहायता समूह को 4% इंटरेस्ट रेट पर ऋण, मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता, 40% कार्यों में आरक्षण मिलेगा। 10+2 की छात्राओं को स्मार्टफोन मिलेगा। जैसे मैं कह रही थी, ऑनलाइन शिक्षा में सुविधा मिलती है और सुरक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। इसी तरह से स्नातक पास, जो स्नातक में जो नामांकित प्रत्येक लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। राज्य भर में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय शुरू किए जाएंगे, ये हर जिले में होंगे। इसमें महिलाओं को दक्षता के लिए प्रशिक्षण और तरह तरह की ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी जिससे वे सशक्त बन पाए। राज्य भर में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए हम मुफ्त यात्रा दिलवाना चाहते हैं। महिलाओं को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। प्रत्येक बुजुर्ग महिला और विधवा को 1,000 रुपये का मानसिक पेंशन मिलेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला चौपाल का निर्माण किया जाएगा और गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट दिया जाएगा। महिलाओं के लिए निजी क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों के साथ साझेदारी में 10 विश्व स्तरीय आवासीय खेल अकेडमी महिलाओं के लिए हम बनवाएंगे। परिवार में पैदा होने वाली प्रत्येक बालिका के लिए 1 FD सावधि जमा बनवाई जाएगी। घरेलू हिंसा और नशे से निपटने के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की नई योजना बनेगी। तो ये वो घोषणाएं थी जो प्रियंका गांधी ने आज महिला मैनिफेस्टो के नाम पर करी हैं, और उत्तर प्रदेश में राजनीति एक नए रूप में जा रही है ऐसा उन्होंने कहा है। इस प्रमुख मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो जुड़ चुके हैं, और मैंने कोशिश की है कि आज हम ज्यादातर जो महिला नेतृत्व है उनसे चर्चा करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि उनकी समस्याएं क्या हैं और क्या इस महिला मैनिफेस्टो से उत्तर प्रदेश का चुनाव बदलेगा या नहीं बदलेगा। सबसे पहले उनसे आपसे रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले शाही साहब हैं, अश्विनी शाही साहब हमारे साथ बीजेपी से, आपका स्वागत है सर। इसके अलावा हमारे साथ सौम्या भट्ट हैं समाजवादी पार्टी से, आपका स्वागत है। रफत शाहीन है हमारे, रफत फातिमा है हमारे साथ कांग्रेस से, आपका मैडम स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ आरती मिश्रा जी हैं, समाज सेवी हैं जो कि महिलाओं के लिए लगातार काम करती हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में। सबसे पहले मैं शाही साहब आप ही के पास आना चाहूँगा। सर, आज आपने महिला मैनिफेस्टो सुना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं के लिए स्पेशली कोई मैनिफेस्टो जारी किया गया हो। आप लोगों ने आज तक नहीं किया, ना आप लोगों ने आज तक भागीदारी दी है उत्तर प्रदेश में महिलाओं को, क्योंकि 4-5% का आप लोगों का रिकॉर्ड रहा है महिला भागीदारी में टिकटों पर अगर हम चर्चा करें तो। लेकिन प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में सब कुछ पलट दिया है, और अगर ये 50% वोट बैंक कांग्रेस के साथ चला गया इस महिला मैनिफेस्टो के बाद, तो समस्याएं तो खड़ी हो जाएंगी आप लोगों के लिए। क्या तोड़ है आपके पास? दुर्घटना पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपके डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपने किया हो न किया हो न किया हो, लेकिन आज ये मन खुश हो गया कि आपने जो है कम से कम उसकी शुरुआत कर दी। 75% की भागीदारी यहाँ दे दी, 25% भाजपा के हिस्से में छोड़ी आपने महिलाओं को। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं इसकी सराहना करता हूँ प्रियंका जी के कार्य की मैं सराहना करता हूँ। और ये कहना चाहता हूं कि प्रियंका जी कांग्रेस को सद्बुद्धि दिलाएं। अच्छा, और जो 33% आरक्षण की इन लोगों ने राजस्थान में कैबिनेट की एक बैठक की और उसमें पास किया, उसको लागू नहीं किया। 13% टिकट इन्होंने राजस्थान में दिया था, उसको लागू करके भेज दिया सेंटर में, अपने यहां लागू नहीं किया। दूसरा मैं आपसे, आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं जी, ये फैसला किसका है? प्रियंका जी का है,
राहुल जी का है, सोनिया जी का है या कांग्रेस का है? अगर प्रियंका जी का है तो ये दिख रहा है कि उन्होंने कहा है कि ये उत्तर प्रदेश में लागू होगा, अभी बाहर लागू नहीं होगा, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये प्रियंका जी का फैसला है। अगर कांग्रेस का फैसला होगा तो ये उत्तराखंड, पंजाब, जहां जहां चुनाव होंगे सब जगह लागू होगा। कांग्रेस ने काम तो बहुत दिखाया है करने के लिए, अच्छा मैंने पहले ही सराहना की इस चीज की नितिन जी, लेकिन लोकसभा का चुनाव, मुझे वही राजस्थान में फिर जाना पड़ रहा है कि आज उन्होंने विधानसभा में उन्होंने 27 टिकट दिए थे, 15 उनके जीत के आए, 23 टिकट हमने दिए, 10 हमारे जीते। आज 15 जीतने के बाद सिर्फ एक महिला मंत्री है राजस्थान सरकार में, अच्छा, ममता भूपेश जी हैं वहां की मंत्री, और यही ममता भूपेश जी ने विधानसभा के अंदर ये महिला आरक्षण का बिल पास कराया था, प्रेजेंट किया था इन्होंने, और राजस्थान की गहलोत सरकार ने पास किया। तो मेरा सवाल इसलिए बनता है कि क्या वहां का जो पूर्व का अनुभव रहा है देशवासियों को, हमारी आधी नारी शक्ति को, वो उत्तर प्रदेश में भी दोहराया जाएगा, या उसमें वाकई 40 जो परसेंट देने की इन्होंने घोषणा की वो लागू होगा? वो तो नतीजों के बाद की बात है सर, अभी आप लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने तो इनसे सबसे ज्यादा आज आपको कुछ कहने की बात नहीं, आपने ओपनिंग रिमार्क में बताया, आज इस 2017 की विधानसभा में 40 की जीत है, और तो 40 जो है महिलाएं जीती हैं, जिसमें 34 भाजपा की हैं, तो उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। हम लोग देखिए, हम लोग वो चीज, हम लोग कोशिश करते हैं कि समाज में हर वर्ग को प्राथमिकता दी जाए, जिसमें महिला सशक्तिकरण एक है जी। हम लोग कहने के बाद पलटने वाले नहीं है नितिन जी, जी। जो लोगों ने कहा वो लोग पलटे, कांग्रेस के लोग, और अब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन 34 महिलाओं की भागीदारी इतिहास में सबसे ज्यादा विधानसभा में आज हमारी महिला विधायकों की संख्या है जी। नहीं तो ये कह रहे हैं कि महिला प्रत्याशी भी सबसे ज्यादा यही लोग उतारेंगे, तो भाई अच्छी बात है। मैंने तो कहा जिस कांग्रेस को 6.4% का वोट परसेंटेज उत्तर प्रदेश में मिल रहा हो जी, वो अब 160 महिला प्रत्याशी उतारे, बहुत अच्छी चीज है जी। पुरुष की दावेदारी जहां होगी, अब उनके सामने जो संकट आएगा वो ठीक है, कोई हमें उसमें कुछ नहीं कहना, लेकिन 140 में ये बताएं कि कहां कहां कौन कौन से आरक्षण लागू उसमें करेंगे, जैसे जो ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, 49% के ऊपर आरक्षण, क्या वहां भी वो लागू करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, तो ये सारी जानकारी प्रियंका जी को देना चाहिए। और आज उन्होंने घोषणा की तो मुझे थोड़ा सा एक संशय था नितिन जी, मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा या कांग्रेस के प्रवक्ता कंफर्म कर दें। प्रियंका जी ने कहा सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण देंगे और पुलिस में 25%, तो ये महिलाओं को 40% सरकारी, और क्या पुलिस की नौकरी सरकारी नहीं है क्या? ये मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए। ठीक है, रफत फातिमा हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से। रफत जी, आपने शाही साहब की बात सुनी, उन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने राजस्थान के मुद्दे को भी उठाया, उन्होंने ये कहा कि राजस्थान में आप लोगों ने महिलाओं के साथ क्या किया है, कितने पद दिए हैं, कौन मंत्री है, सारी चीजें उन्होंने बता दी हैं, और आरक्षण को लेकर भी उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में और क्या चीज है क्या चीज नहीं। तो आप लोग अब इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि आप लोगों की तरफ से महिला मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को या अन्य राजनीतिक दलों को उत्तर प्रदेश में इससे समस्याएं होंगी या नहीं होंगी, या फिर कैंडिडेट, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा यह पहले से जा रहा था कि आप लोग 40% का ऐलान करते हुए फिर तो रहे हैं, लेकिन आप लोगों के पास महिला नेतृत्व ही नहीं है, महिला संगठन में ही नहीं है, तो आप लोग कैंडिडेट कहां से लाएंगे, इस तरह की बातें भी उनकी तरफ से कही जा रही हैं। तो समस्या होगी आप लोगों को या फिर बीजेपी या अन्य राजनीतिक दलों को? देखिए नीतीश जी, जिस तरीके से शाही साहब कह रहे, तो भाजपा में कहते ही है, सिर्फ कहना ही जानते हैं, करते कुछ नहीं है। आज ये पैनल बता रहा है कि कितनी वुमेन भागीदारी या महिला भागीदारी की ये एग्जाम्पल है मेरे सामने कि कोई भाजपा प्रवक्ता महिला नहीं आई है, एक पुरुष को भेज दिया गया,
तो स्टैच्यू बना के डमी कैंडिडेट की तरह उनको बैठा दिया गया जिसकी आवाजें बंद है। कोई महिला महिलाओं के पीड़ित परिवार तक नहीं जा रही है। अगर कहीं रेप हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, तो वहां महिलाएं नहीं पहुंच पाती हैं। तो इनकी महिलाएं कहां होती हैं? वो बिल्कुल चुनाव के टाइम निकलती हैं सिर्फ एक वोट साधने की नियत से। तो ना महिलाओं को ये सम्मान दे पा रहे हैं और ना ही ये जनता को सम्मान दे पा रहे हैं। आज जिस तरीके से विकास के दावे करे गए थे वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। तो अभी जो है इनका एजेंडा जब था कि विकास के दावों पे और जो है हम डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी, तो आज स्मार्ट सिटी के भी नजारे दिख रहे हैं, आज डिजिटल इंडिया भी दिख रहा है, आज जो है गड्ढा मुक्त सड़कें भी दिख रही हैं। तो दिख के कहने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस का इतिहास है और ये खूबसूरत पहल है और महिलाओं के बीच संदेश चला भी गया। ठीक है, ये 40% कैंडिडेट कहां से आएंगे मैडम? ये 40% हमारे पास, मैंने बताया ना इतने आवेदन आ चुके हैं कि अब उसमें हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ रहा है। और बहुत जल्दी लिस्ट भी आ जाएगी, वो आपके सामने होगी। क्योंकि महिलाएं जिस तरीके से जुड़ रही हैं इस पहल से, ये लग रहा है कि बहुत बड़ा और पॉजिटिव संदेश महिलाओं के बीच में गया है। शाही साहब कह रहे थे, शाही साहब कह रहे थे कि वादा करिए कि आप लोग किसी नेता के परिवार की बेटी को या फिर उनके घर की महिला को टिकट नहीं देंगे। नहीं, हमें ये समझ में नहीं आता क्या उसकी बेटी बेटी नहीं है, उसकी माँ माँ नहीं है, उसकी पत्नी पत्नी नहीं है? तो फिर तो परिवारवाद वाली राजनीति शुरू हो जाएगी ना। नहीं, परिवारवाद की प्रॉब्लम इनको नहीं है। हम एक भाजपा की लंबी लिस्ट आपको दे दे जिनके बेटे बेटों के बेटे दिल्ली से शुरू करें या यूपी से शुरू करें, बताइए। परिवार सिर्फ एक परिवार से जरूर प्रॉब्लम इन लोगों को, क्योंकि वो झुकता नहीं है, वो माफी नहीं मांगता है जी। वो डट के लड़ रहा है। अगर संघ से कोई लड़ रहा है तो सिर्फ एक परिवार लड़ रहा है, वो है गांधी परिवार। तो इसलिए इनको प्रॉब्लम गांधी परिवार से और किसी से परिवार नहीं, लड़ाई। ठीक है, सौम्य भट्ट है हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। सौम्य जी, कांग्रेस की तरफ से आज जो महिला मैनिफेस्टो जारी किया गया है, एक महिला होने के नाते आप उस महिला मैनिफेस्टो को किस नजर से देखती हैं? और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है 2022 का, कितना बदलाव कांग्रेस के लिए रहेगा, समाजवादी पार्टी के लिए कितनी समस्याएं रहेंगी, बीजेपी के लिए कितनी समस्याएं रहेंगी इस महिला मैनिफेस्टो से? सबसे पहले तो नितिन जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी जो आपने मुझे अपने शो में आमंत्रित किया। और आज की जो दुखद दुर्घटना हुई है हमारे भारत देश के लिए, और उसके लिए मैं बहुत श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ आपकी बात का जवाब देते हुए मैं ये कहूँगी, 2022 का विधानसभा चुनाव चाहे कोई भी अन्य पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। और देखिए, मैं हमें ये कहना चाहूँगी कि जब पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी, तो अगर सरकार के आंकड़ों को उठा के देखा जाए और सरकार का जो कार्यकाल रहा है उसको उठाकर देखा जाए, तो चाहे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो महिलाओं का, चाहे हेल्थ हो, चाहे ओवरऑल वेलफेयर हो, उस पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर अच्छी तरीके से काम किया था। बाद में जब सरकार बदली तो उसके बाद से अभी तक जो महिलाओं की बदहाल स्थिति रही है उससे मुझे लगता है आप सभी रूबरू होंगे। और मुझे लगता है 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता इवन एज वेल एज जो महिलाएं, वो सबसे ज़्यादा जो उम्मीद कर रही हैं वो समाजवादी पार्टी से कर रही हैं, क्योंकि उनका जो पुराना कार्यकाल रहा है उसको देखते हुए। कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करके क्यों कह रही है कि सब कुछ बदल देंगे, सब कुछ पलट देंगे इस बार? देखिए, जब चुनाव आते हैं तो बहुत मैनिफेस्टो और बहुत घोषणाएं होती हैं नितिन जी, और इससे आप रूबरू होंगे मुझसे ज़्यादा और मुझसे बेहतर। और जो पार्टी कर चुकी है, अगर वो मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी, रूबरू कराना चाहूँगी, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में किशोरी विद्याधन योजना से लेकर, आपका 1090 से लेकर, आपका रानी लक्ष्मीबाई फंड से लेकर, और जितनी भी महिलाओं को सबसे ज़्यादा, चाहे लैपटॉप्स हो गए, चाहे फ्री एजुकेशन, किशोरी विद्याधन जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी काम कर चुकी है। तो सरकार आने पे कांग्रेस क्या काम करती है और समाजवादी पार्टी क्या कर चुकी होती है, उन दोनों में बहुत फर्क है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के भूतपूर्व काम को देखते हुए इस बार फिर से उत्तर प्रदेश की महिलाएं एज वेल एज उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ एक आसभरी निगाहों से देख रही है। आप लोग कितनी महिला कैंडिडेट इस बार उतारेंगे? और दूसरी चीज, इतना काम आप लोगों ने महिलाओं के लिए किया, उसके बावजूद आपका जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें शायद ही कभी किसी कुर्सी पर कोई महिला नेता दिखती हो,
ये सवाल। नितिन जी अगर मैं कहूँ तो मैं हमें ये इस पे आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि इस समय हमारी नई नई ही महिला विंग का गठन हुआ है, अभी नई चिन्हित की गई हैं वो, और वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, और समाजवादी पार्टी में महिलाओं को हमेशा बराबर की ही भागीदारी दी। तो ये माना जाए कि कांग्रेस वाला 40% वाला जिस दिन जारी हुआ उसके बाद आप लोगों ने फैसला लिया? जी नहीं, समाजवादी पार्टी का अगर आप पुराना कार्यकाल उठाकर देखें, शाही साहब हंस रहे हैं आपकी बात, तो ऐसे तो मुझे भी हंसना चाहिए था उनकी बातों पर कि इस समय मौजूदा सरकार क्या कर रही है। देखिए लिखने में और यथार्थ में बड़ा फर्क होता है, मुझे शाही जी को ये कहना चाहिए कि यथार्थ में और सिर्फ कागजी कार्रवाई में बहुत फर्क होता है, और मैं खुद समाजवादी पार्टी से प्रत्येक वर्ष से जुड़ी हुई हूँ, ठीक है, और मेरे साथ कई सारी महिलाएं हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में पे होकर भी समाजवादी पार्टी के साथ काम करती हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए इस समय चुनाव का समय है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जिसे कहते हैं मैनिफेस्टोज और एज वेल एज कन्फेशंस जनता के सामने ला रही है, लेकिन जनता किनका कार्य देख के किन पे विश्वास करती है और किन पे नहीं करती है वो 2022 के चुनाव में आपको साफ साफ नजर आएगा। ठीक है, थैंक यू। आरती मिश्रा हमारे साथ समाज सेवी के रूप में है और महिलाओं के लिए लगातार बेहतर काम करती रही हैं, सड़क पर उतर कर भी और ऐसे भी। आरती जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया है कि किसी चुनाव में या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महिला मैनिफेस्टो जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से, और ये कहा गया कि महिलाओं को भागीदारी ज्यादा बड़ी संख्या में देना चाहते हैं, 40% महिलाओं को टिकट भी देंगे और इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं अगर हमारी सरकार बनती है कांग्रेस की, तो वो काफी कुछ उस मैनिफेस्टो में जो चीजें लिखी हुई थी वो सारी चीजें महिलाओं को देने वाली हैं। आप इस बात से कितना तारुफ रखती हैं, ये बात कितनी सही है और क्या कांग्रेस ऐसा कर सकती है उत्तर प्रदेश में? देखिए नितिन जी, 2022 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें जितनी भी पार्टियां हैं सब झूठा आश्वासन, या ये कह लीजिए जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं तो झूठे आश्वासन सबसे ज्यादा जो मिलते हैं वो मिलते हैं महिलाओं को। लेकिन सही स्थिति क्या है कि महिलाएं किसी भी, जैसे वर्तमान स्थिति में बीजेपी की सरकार जो चल रही है उसमें भी कोई मतलब महिलाएं सेफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे मेरे पास आते हैं कि जो महिलाएं घर में प्रताड़ित करी जा रही हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वो थाने जाती हैं, उनका मुंह रोक दिया जाता है, तो ये वर्तमान बीजेपी सरकार का है। सेकेंड चीज, जो कांग्रेस की जो प्रियंका जी ने जो आश्वासन दिया है, घोषणा पत्र जारी किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा आने वाले टाइम पे भी कुछ होगा। अच्छा। क्योंकि जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो प्रत्येक पार्टी अपना लुभावने आश्वासन, आप कह सकते हो इसको कि लुभावने आश्वासन, और सबसे ज्यादा वो महिलाओं को मिलते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा आने वाले टाइम पे कुछ भी होने वाला है महिलाओं के लिए। अच्छा, क्या अन्य राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश में हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए समस्या हो सकती है कांग्रेस के इस फैसले के बाद? और आम महिला होने के नाते अगर मैं आपसे पूछूं तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है, क्या उन समस्याओं पर किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक फोकस किया, सोचा उसके बारे में? देखिए अभी जो आज प्रियंका जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है एक कोरा आश्वासन है, आप इस पे मोहर नहीं लगा सकते हो कि हाँ ये घोषणा पत्र जारी हो चुका है, ये आफ्टर इलेक्शन है। उसके बाद देखिए क्या है, महिलाओं को जैसे मैंने पहले भी बोला कि महिलाओं को झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, और ये हकीकत है कि झूठे आश्वासन उनको मिलते हैं। घरों में देखिए घरेलू हिंसा होती है, कितनी महिलाओं के मुंह बंद कर दिए जाते हैं, कितना वो बाहर निकल सकती हैं, ये सब चीजें नहीं हो रही हैं। और हाईलाइट क्या मतलब जो हाईलाइट किया जा रहा है वो इक्का दुक्का केस को हाईलाइट कर दिया जाता है। ठीक है, शाही साहब आपने बात सुनी, रफत फातिमा की भी सुनी जो कांग्रेस से हैं, और इसके अलावा सौम्या भट्ट की भी सुनी, कोई जवाब आपके पास? और दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है, क्या महिलाओं के लिए आप लोगों की तरफ से भी कोई ऐसी स्कीम बनाई जा रही है, कोई मैनिफेस्टो अब आप लोग भी सोचेंगे कि हम लोगों को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बेहतर स्थिति उत्तर प्रदेश में महिलाओं की नहीं है जैसा आरती मिश्रा कह रही है, चाहे वो क्राइम के दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए या किसी अन्य सेक्टर में देखा जाए, तो क्या उसके लिए कुछ नया कुछ बेहतर करने की आप लोग सोच रहे हैं, कोई रोड मैप आप लोगों की तरफ से भी तैयार किया जा रहा है? नितिन जी देखिए, कांग्रेस से ही मैं शुरू करता हूँ जी। मैंने 2-3 सवाल किए और हमारी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया उस पर कि ये फैसला प्रियंका जी का है या कांग्रेस का है, पहला। दूसरा सवाल मैंने किया था कि अगर ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का फैसला है तो क्या पंजाब में भी ये लागू होगा या नहीं होगा।
खैर चलिए उसका जवाब शायद अगले दौर में बहन दे हमारी, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा नितिन जी, 2839 कैंडिडेट 2017 से चुनाव हुए तो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे जी, 286 महिला प्रत्याशी उसमें थी, यानी कि 9.4% ये इनका रेशियो रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछला चुनाव हुआ 2017 में 11 कैंडिडेट इनके थे, तो इनका भी इतिहास वही रहा है। अब उत्तर प्रदेश में ये जमीन अपना खोते जा रहे हैं, 89 के बाद से सीधा इनको नीचे 6% तक आ गए, तो अब एक नया कोई ना कोई गेम, अभी मिश्रा जी ने कहा कि महिलाओं के साथ ये लोग छल कर रहे हैं, तो एकदम सत्य कहा उन्होंने कि ये लोग जो 40% का लॉलीपॉप दिखा रहे हैं वो महिलाओं के साथ छल है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं। नहीं, मैं आ रहा हूं एक एक करके आ रहा हूं नितिन जी, और हमारे जो है समाजवादी पार्टी ने दिया था 34 टिकट दिया था, लेकिन वहां भी कोई ऐसा आरक्षण की बात नहीं थी, लेकिन जब संसद में आरक्षण महिला आरक्षण का विरोध किसने किया था, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जी ने, ये लोग करने वाले थे विरोध। तीसरी बात मैं आना चाहता हूं, मिश्रा जी ने जो कहा घरेलू हिंसा की, तो मिश्रा जी मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए इक्का दुक्का कोई केस हो गया हो तो मैं नहीं कह सकता हूं 24 करोड़ का हमारा यहां उत्तर प्रदेश में समाज है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास पर बढ़ते हुए गांव में जो सामुदायिक केंद्र हैं वहां पर पुलिस महिला पुलिसकर्मी तैनात करके कि हाँ सप्ताह में दो दिन वहां जाएंगी महिला पुलिसकर्मी आशा कर्मियों के साथ बैठकर उस गांव की घरेलू हिंसा को निपटाएंगी। ये पहल भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। महिला शक्ति जो मिशन शक्ति की बात है, आज लखनऊ की मैं शहर की बात बता रहा हूं, 11 बजे रात में अगर कोई महिला अकेले है अगर फोन करके कहती है तो हमारी कोई दूसरी बहन जो पुलिस में है वो स्कूटी से उनको घर तक छोड़ने जाती है। ये सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। तो मैं ये भी नहीं, आपकी बातों को मैं झूठला भी नहीं सकता हूं क्योंकि 24 करोड़ का हमारा परिवार है, कुछ घटनाएं कहीं होती होंगी जहां पर नहीं होता होगा, कुछ अधिकारी बदमाशी करते हैं, लेकिन अगर उसकी सूचना ऊपर तक होती है तो अधिकारियों को दंडित करने का भी काम ये सरकार करती है, चाहे वो आईएएस तक के हो, आईपीएस हो, या नीचे स्तर के दरोगा और लेखपाल हो। अच्छा एक चीज है शाही साहब, मैं प्रियंका गांधी की जो पुरानी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम 40% महिलाओं को कैंडिडेट बनाएंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी गया हुआ था और उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि मैंने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर के देखा है कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हुए हैं और उसी वजह से मैं इन महिलाओं के लिए ये काम करना चाहती हूँ, महिला मैनिफेस्टो हो गया या फिर महिला कैंडिडेट हो गया, और हम उनको कैंडिडेट बनाएंगे जो अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं, अगर वो चाहें तो हमारी पार्टी में आकर कैंडिडेट भी बन सकते हैं। तो ये बात उन्होंने कही थी कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध है और ये मैंने खुद घूम घूम कर देखा है। नितिन जी एकदम आपने सही कहा, प्रियंका जी ने ये कहा था और प्रियंका जी मैंने कहा ना जो एक वैक्यूम हो गया है उसको भरने की कोशिश कर रही हैं। मैं फिर एक उदाहरण देना चाहता हूं, जनवरी 17 जनवरी का था, कैबिनेट ने जब पास किया राजस्थान में 33% का, तो राहुल जी ने चिट्ठी लिखा कांग्रेस शासित प्रदेशों को कि सब जगह 33% का आरक्षण लागू किया जाए। कौन से राज्य में लागू किया गया ये बताइए, कौन से राज्य में लागू किया गया? रफत जी बताएंगे, भी पूछूंगा मैं। तो, नहीं वही मैं कह रहा हूं, राहुल जी ने चिट्ठी लिखा था, लेकिन आज प्रियंका जी चाहे जिसको टिकट की बात करें, धान के खेत में महिलाओं के साथ जाए, किसी महिला के घर जाए, तो ये अच्छी बात है, उसमें बुराई नहीं है, महिलाओं को आगे लाना चाहिए, लेकिन झूठे वादे और झूठे सपने दिखाकर भाई उधर चिट्ठी लिख के कहता है पूरे कांग्रेस शासित प्रदेशों में 33%, सबसे ज्यादा जानते हैं टिकट किसने दिया, 19% झारखंड ने, उसके नीचे ही पूरा देश है। एक मिनट, शाही साहब पहुंचा, शाही साहब रफत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ रफत जी बताइए। मुझे लग रहा शाही साहब ने कांग्रेस पे ज्यादा रिसर्च करी है, आत्मचिंतन करिए, थोड़ा आत्ममंथन भी करिए, और पहले राज्यसभा में बिल पास होता फिर लोकसभा में, और आपके रेजिम में क्यों नहीं पास कराया गया,
सारी संस्थाओं पे कब्जा कर लिया, उसमें कोई वो नहीं है, सिर्फ महिलाओं के नाम पे महिला विरोधी सोच है कि अभी तक 33% बिल नहीं पास हो पाया। आप सत्ता में थे, आपने क्यों नहीं पास कराया? अवल 090 की किस्सा बता दे कि पीड़ित अगर फोन करती ना फोन उठता नहीं है। मिशन शक्ति बता दे, हाथरस की घटना, पीलीभीत की घटना, उन्नाव की घटना, ये बताता मिशन शक्ति धरातल पे कितना है। होल्डिंग पोस्टर से सिर्फ विकास नहीं होता है और ना महिलाओं को सम्मान मिलता है। अभी इनके रिजीम में अभी कहां पे लागू हुआ है ये बताएं। अभी सत्ता छिन रही है तो ये घबराहट बता रही है कि 2022 में यही जनता, यही महिलाएं, जहां हाथरस में एक बच्ची को आधी रात में जला दिया जाता है बिना विधिवत तरीके से, ये महिला नहीं थी, इसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए। यही लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चलवा दी जाती है, अभी तक उनको इनके गृह राज्यमंत्री बर्खास्त नहीं हुए। तो ये जनता की चिंता नहीं है, सिर्फ कांग्रेस की चिंता है जी। आप कांग्रेस में मंथन बाद में करिए, पहले देश के विकास की बात करिए। क्या आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, आपने क्या करा? पिंक बूथ में कुत्ते लौट रहे हैं, जानवर बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है उसमें, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? सवाल तो ये है कि आपने क्या करा, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? जब बात करो तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन यूपी नंबर 1 अपराध में उस पर बात नहीं होगी। गरीबी में उत्तर प्रदेश लगातार रिकॉर्ड कायम कर रहा है, उस पर बात नहीं होगी। किसानों पे जीप चढ़ाई जाएगी, उस पर बात नहीं होगी। ठीक है मैम, ठीक है। 69,000 शिक्षण अभ्यर्थी इनके शिक्षा मंत्री के घर के पास होंगे, लाठी खाएंगे, उस पर बात नहीं होगी। ठीक है मैडम, क्योंकि इनके पास बात नहीं है, जवाब नहीं है। तो ये राजस्थान, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी सिर्फ इस पे घुमा घुमा के आपको डिरेल करते रहेंगे इस ऊपर। ठीक है मैडम, सौम्य भट्ट भी कुछ कहना चाह रही हैं। शाही साहब फिर मैं उसके बाद आ रहा हूँ आपको। जी सौम्य जी, मैं शाही जी से सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि शाही जी, ये मुस्कुराहट तब कहाँ थी जब 14% का क्राइम उत्तर प्रदेश में बढ़ गया था? आप अन्य प्रदेशों की बात कर रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जो कि 80 लोकसभा सीट और 403 विधानसभा से पास होकर जाता है और केंद्र सरकार को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है हमारे इतिहास से लेकर अभी तक। तो आप अन्य प्रदेशों की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये मुस्कुराहट तब कहाँ थी शाही जी जब 14% का क्राइम पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में बढ़ा है? आप हाथरस भूल गए, या आप पीलीभीत भूल गए, या आप लखीमपुर खीरी भूल गए? तो क्या सिर्फ जो सुरक्षा और व्यवस्था है वो आपकी पार्टी में सिर्फ महिला प्रत्याशियों को लिए है, महिला कैंडिडेट्स के लिए है, महिला विधायक, महिला सांसद, महिला मंत्री के लिए है, या आम जनमानस में महिलाओं के लिए भी, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए भी कोई व्यवस्था आपके सरकार में लागू हुई है? जी शाही साहब जवाब दें। जी जी जी, एकदम पहले कांग्रेस की अपनी बहन को मैं उत्तर दे दूं, क्योंकि उन्होंने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, उन्होंने आरोप लगा दिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि मैं कोई आरोप नहीं है। आपके दो मुख्यमंत्री, आपने बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो मैं कहता हूं, आपके दो मुख्यमंत्री आते हैं लखीमपुर, 50-50 लाख दे जाते हैं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन वही तरन तारण का एक दलित युवक जिसका हाथ सिंघू बॉर्डर पर काटा जाता है, उसके घर पे आपके चन्नी साहब नहीं जाते और उसको चार आना भी नहीं देते। यही मैं भूपेश बघेल जी के लिए कहता हूं, 50 लाख रुपए आज आकर दे जाते हैं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन वहां पर जो 150 किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होती है और वहां उन किसानों को उसमें से जो है कितने घायल होते हैं, 1 रुपया नहीं दिया उन्होंने। तो मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता था अपनी कांग्रेस की बहन को। दूसरी, महिला अपराध राजस्थान में जितना, तो ये भी आप कहीं नहीं जाते, सुन लीजिए, मैंने आपको सुना है थोड़ा सा, आपके पास मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना है, आप भी थोड़ा सुन लीजिए। और आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है और न पिछले 20-25 सालों से है, तो आपके लिए उदाहरण झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का ही देना पड़ेगा। क्योंकि महाराष्ट्र में जब जो है दलितों की हत्या होती है, दलित बहन के साथ बलात्कार होता है, तो वहां पर कोई नहीं जाता है। किसान जब हनुमानगढ़ में पीटे जाते हैं तो कोई नहीं जाता है। मैं अब अपनी सपा की बहन का जवाब देना चाहता हूं। इनके एक माननीय मंत्री थे आजम खाजी, आजम खाजी ने सदन में कहा था कि हमारी सरकार में 1044 हमले पुलिस पर हुए हैं। ये सदन का बयान है, मेरा नहीं है। आजम खान साहब संसदीय कार्य मंत्री थे और आज ये कह रही हैं कि ये कितना क्या हुआ। एक
जनवरी 2016 की घटना मैं याद दिला दूं, जानकी मड़ियाओं में सुरुचि पांडे एक महिला थी, उसकी हत्या होती है। 2 तारीख को बीआईपी रोड पर कृष्णा आजाद नगर कॉलोनी में एक महिला की हत्या होती है, मुख्यमंत्री के घर के बगल में बलात्कार और हत्या होता है। तो हमको सपा के गुनाहों को नहीं गिनाना है। अभी आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, कल मैंने ट्वीट किया था परसों, कि बुलडोजर का मुंह उल्टा घूम सकता है। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में नितिन जी बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ किस पे चला है? माफियाओं पर चला है। और उन्होंने संरक्षण देने की बात की कि बुलडोजर उल्टा घूम सकता है, स्टेयरिंग नहीं होता है। शाही जी, अगर आप महिलाओं की बात पे रहेंगे, आप महिलाओं की बात पे रहेंगे और 2017 से बात करेंगे तो आपको आईना साफ नजर में आएगा। एक बार काट की हांडी कितनी बार चढ़ाएंगे आप? अगर आप महिलाओं के टॉपिक पे रहेंगे, क्योंकि आज का मुद्दा महिलाएं हैं, तो बेहतर रहेगा अगर महिलाओं के सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सोशल और वेलफेयर की बात कर लें। तो शाही जी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको उत्तर प्रदेश की जनता अच्छे से रूबरू करा देगी कि 2017 से महिला नहीं थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी, क्यों हाथरस की बिटिया नहीं थी, क्यों सिर्फ महिला प्रत्याशी बिटिया होती है, महिला सांसद बिटिया होती है, महिला विधायक होती है, क्यों पीलीभीत की बिटिया नहीं थी, आप भी तो सुन लीजिए, लखीमपुर की आप कहा है शाही जी, लखीमपुर की बिटिया नहीं थी, या लखीमपुर की प्रत्याशी नहीं थी, या आम जनता में बिटिया नहीं होती है? क्या बिटिया वही होती है जो प्रत्याशी होती है, मंत्री होती है, विधायक होती है, सांसद होती है? हाथ रख दिया अपराधी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष की का, नहीं नहीं नहीं, आपने दुखती रथ पर नहीं, आपने ऐसे आईना उठाकर अपना चेहरा देख लिया, आपने आईना उठाकर अपनी सरकार का चेहरा देख लिया। देखिए, आप प्रवक्ता है, आप कहेंगी आज जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं कि हम बुलडोजर जो है दूसरे तरफ घुमाएंगे, क्योंकि आपके क्यों, तो फिर लखीमपुर तो फिर आ जाइए, फिर लखीमपुर वाली बात पे आ जाइए, आ जाइए फिर आप लखीमपुर, अब लखीमपुर किसानों पे जो बुलडोजर गाड़ी चढ़ाएगी उस पे आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। अब ये अगर आपको करना हो, अगर आपको ये करना हो तो यहाँ पे अन्य पार्टियों की जगह आपके लिए हम आईना रखें, आपके लिए आपके पार्टियों के लिए आईना रखें, ताकि आप लोग आईना देख के सवाल करें और बात करें। आईना तो गायत्री प्रजापति के लिए आपको रखना चाहिए, ज्यादा बढ़िया रहता। तो आईना तो आपको भी लखीमपुर कांड के लिए रखना चाहिए, आईना आपको भी हाथरस की बिटिया के लिए रखना चाहिए, आईना आपको लखीमपुर की बिटिया के लिए रखना चाहिए, आईना आपको भी पीलीभीत के लिए रखना चाहिए, आईना आपको भी गोमती नगर कांड के लिए रखना चाहिए। आप कितने लोग के लिए आईना रखेंगे? आप अपने लिए रखिए, आप अपने और अपनी पार्टी के लिए आईना रखिए, वो बेहतर रहेगा, वो बेहतर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लेकर सबका साथ और सबका विकास, वो भी महिलाओं की, वो जो सिर्फ अपनी प्रत्याशी हो या महिला मंत्री या महिला विधायक या महिला सांसद हो, आम महिलाओं के लिए कोई साथ कोई विकास नहीं। वो तो कितने इंसिडेंट याद दिलाऊं मैं? तो आईना आप अपने लिए रखिए, अपनी सरकार के लिए रखिए, हमारे लिए क्या बताएंगे आप? ठीक है, रफत फातिमा जी, आपसे मतलब मेरा आपकी पार्टी से था। विकास भी इन्हीं कुछ पूंजीपतियों का हुआ है, इन्हीं के दोस्तों का, और पूरे देश का विनाश हुआ है। जब से सरकार आई है कोई विकास नहीं हुआ है, कोई भी सरकार होती है विकास है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन सिर्फ विनाश की ओर ले जाया गया। आज जो बनाया गया था वो मिटाया जा रहा है, वो बेचा जा रहा है। इतना बड़ा एयरपोर्ट उसको अडानी के नाम से बन गया, सिर्फ नाम बदले गए हैं, कभी मंदिर मस्जिद, कभी गाय, कभी गव देहात, कभी घर वापसी, ये इनका एजेंडा है। तो जन प्रतिनिधि के रूप में इन्हें जनता के बीच में गए कब के? कोरोना काल में आप देख लीजिए कैसे लोगों की जो है लाशें बिछी हुई थी, उनके पर से रामनामी छीनी जा रही थी, उनके छुपाए जा रहे थे जो एविडेंस थे। तो ये इनका चाल चरित्र है और कथनी करनी में इनका अंतर है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इतना विज्ञापनों पे जितना पैसा लगा दिया उतना देश के जो है विकास के लिए लगाना चाहिए था, लेकिन होल्डिंग पोस्टर पे विकास दिखाए जा रहे हैं। तो आज हालात ये है कि हर चाहे वो युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी वर्ग है, वो बेचैन है। क्योंकि महंगाई आप देख लीजिए, हम महिला है, हम देख रहे हैं मेरे रसोई में जो 80 रुपए किलो जब टमाटर आ रहा है, जब 1000 का सिलेंडर आ रहा है, तो हर महिला परेशान है।
क्योंकि वो अपने घर का बजट ही नहीं संभाल पा रही है। तो महिलाएं क्यों नहीं बदलेंगी, 2022 में इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगी। ठीक है, शाही साहब क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस की हमारी बहन है, हमने इनसे सवाल पूछा, उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया कि ममता भूपेश जी ने जो विधानसभा में सवाल का जवाब देने यहाँ नहीं बैठे, हम अपने पार्टी का पक्ष रखने यहाँ बैठे हैं, हम आपका सवाल के जवाब देने नहीं बैठे। एकदम रखिए, आप अपने पार्टी का पक्ष रखिए। तो मैं ये बताना चाहूंगा जनता को, नितिन जी आपके सम्मानित चैनल जो होता है उसका उसको सवाल सवाल करने का हक है, उसके जवाब लेने का हक है। इनके ममता भूपेश ने जो है जो संकल्प पत्र विधानसभा में पेश किया था, यूपी के लिए कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ राजस्थान छत्तीसगढ़ यूपी का कुछ नहीं कहा। बनाने प्रियंका गांधी आई है और उनकी प्रवक्ता आज हमारी बहन सामने बैठी है जो हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगी। तो ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ, हम आपके सवाल का जवाब, हम जनता के लिए बैठे हैं, जनता के सवालों को उठाएंगे हम यहाँ पर। एक नई झेल रही है आपके आपकी सरकार में, जो महिलाओं के साथ छल करने का एक नया प्रपंच रच रही है उत्तर प्रदेश की आधी आबादी, हमारी महिलाएं पानी की टंकी में बैठी अपनी मांगों को लेकर लाठियां खा रही है, वो महिलाएं नहीं है, अरे हमारी जो महिलाएं अपनी मांगों को लेकर बैठ रही है। अभ्यर्थी आपके बाल एवं सवालों के जवाब दीजिए, राजस्थान पर सवाल करने का आप हकदार है। नितिन जी जी, 1.5 महीने से बैठे हुए हैं ये लोग माल एवेन्यू कार्यालय पर, उनकी भर्ती नहीं, अब तो चले गए। अरे चले गए तो धरना दिया ना 1 महीना। नितिन जी जी, 1 महीना धरना आखिर राजस्थान के लोग आकर यहाँ दे रहे हैं, तो ये तो सोचनीय विषय है ना। तो ठीक है ना, अपने लोगों के पास आकर धरना दे रहे हैं आपके लोग। अच्छा ये भी तो है ना शाही साहब, तो हमारे अपने भाइयों पर क्यों सवाल? कांग्रेस ने उनको कंबल भी मुहैया कराया। सोचनी विषय तो शाही जी महंगाई भी है, समय सोचनी विषय तो महंगाई भी है, वो गैस भी है, वो तेल भी है, वो सब्जी भी है, सोचनी विषय तो कितने सारे हैं। अरे भाई ये अभ्यर्थी जब ये अभ्यर्थी जब विधानसभा के सामने या भाजपा कार्यालय के सामने आते हैं तो लठियाए जाते हैं, कांग्रेस वाले ने वो तो नहीं किया। आज आप आवाज उठा लीजिए यूपी में तो पता चलता है कि आवाज उठाने पे पाबंदी है। राजस्थान से शाही जी थोड़ा कागजों से बाहर निकलिए, कागज और अखबार कागज से बाहर थोड़ा निकलो। कागज से बाहर यथार्थ में आई है, क्योंकि प्रैक्टिकल है तो सोचनी। सब्जी आपके घर में भी बनती होगी, महंगाई का असर आपके घर में भी हो रहा होगा, मेरे घर में होता है, मैं खुद एक महिला हूँ, बच्चे हैं, परिवार है, तो सोचनी विषय तो महंगाई भी है, तेल भी है, गैस भी है, सब्जी भी है, फल भी है। फल फ्रूट तो ऐसा हो गया है कि सब सिर्फ में जो फल फ्रूट तो अब आपने आपकी सरकार ने इस कदर वो कर दिया है कि फल फ्रूट तो अब मेहमानों को भी ना नसीब हो। तो सोचनीय विषय तो महंगाई भी है जो आज से इतने सालों में नहीं थी। एक लाइन का जवाब आप ले लें हमसे। जी जी जी, देखिए जब हम बात करते हैं तो जीडीपी की बात करते हैं, वो पॉइंट में होती है, 8 पॉइंट होती है, 2 पॉइंट होती है, 10 पॉइंट होती है। उसी तरीके से एक महंगाई दर भी थी 2010, 11, 12, 13। आप लोग भी यूपीए के साथ गवर्नमेंट में थे, महंगाई दर 10% से नीचे कभी नहीं आई। और 2014 के बाद आज तक 6% से ऊपर नहीं गई। महंगाई कब थी, आपके समय में या हमारे समय? तो यानी आप सीधे सीधे शाही जी कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं नितिन जी, देख लीजिए आपके सम्मानित चैनल पर बैठ के कह रहे हैं, अरे आंकड़े कह रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं, गैस महंगा हुआ नहीं, तेल महंगा हुआ नहीं, सब्जी महंगी हुई नहीं, तो आप इसको कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं कि महंगाई नहीं है? आंकड़े कह रहे हैं मतलब आप कह रहे हैं। अब देखिए आंकड़े कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं, ये भाई देश आंकड़ों से चलता है तो 10 ज्यादा देश आंकड़ों से चलता है, तो वही तो मैं आपको बता रही थी इतनी देर से। अगर देश आंकड़ों से चलता है, उत्तर प्रदेश भी तो आंकड़े से चलेगा। 14% की महिला क्राइम बढ़ गया है, तो वो आंकड़ा आप मानने को तैयार नहीं है, और महिलाओं की महंगाई का आंकड़ा हमको पेश कर दे रहे हैं। गलत आपने देख लिया है। नहीं नहीं हमने बिल्कुल सही देखा है, थोड़ा आप महंगाई को और महिलाओं के बढ़ते क्राइम पे अच्छा स्टडी कर लीजिए। आप कांग्रेस के सरकार में सहयोगी थी, 1241 रुपए का 1 जनवरी 2014 को गैस का सिलेंडर था। गूगल अभी खोल कर देख लीजिएगा या कहीं से आंकड़े मंगा लीजिएगा। 1241 रुपए का सिलेंडर 1 जनवरी 2014 को था, आज 900, 950 का सिलेंडर है। महंगाई तब थी कि आज है, ये बताइए।
दूसरी चीज आता हूँ, आप सीधे नितिन जी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि महंगाई है ही नहीं, आप महंगाई है ही नहीं, क्योंकि महिलाओं से ज्यादा आप महंगाई जानेंगे, हम तीन सम्मानित महिलाओं से ज्यादा आप महंगाई जानेंगे, तो आप क्यों नहीं मान ले रहे महंगाई नहीं है? मैं तथ्यों के साथ बोल रहा हूँ, तो आप नहीं मानेंगी तो उसका हमारे हमारे पास कोई, अरे तथ्यों के साथ जो हम पे गुजर रही है, जो उत्तर प्रदेश की महिलाओं पे गुजर रही है, वो हम मानेंगे? देखिए गुजर सबके ऊपर रही है, बीजेपी के ऊपर भी गुजर रही है, लेकिन बोल नहीं सकते हैं, वो बोल नहीं सकते, मान लेना, मैं तो यही चाह रही हूँ मान ले, वो तो कह रहे हैं ही नहीं महंगाई, हम तो हम मानते हुए आंकड़े आपको दे रहे हैं, मैं मानता हूँ फिर आंकड़े भी दे रहा हूँ, आप भी तो आंकड़े मान लीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है, 10% से ऊपर महंगाई है या 6% से नीचे महंगाई किधर है? ठीक है, ठीक है, हम आरती मिश्रा जी के पास चलेंगे। आरती जी, आपने सबकी बात सुनी, सबके मुद्दे सुने, सारी चीजें जानने की कोशिश भी करी होगी, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आम महिला, आम जो बच्ची है स्कूल की, जो स्कूल जा रही है या फिर जो कॉलेज जा रही है, जो अपनी शिक्षा को बेहतर करना चाहती है उत्तर प्रदेश में, जो अपने लिए उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में देखना चाहती है, उसके मन में इस वक्त क्या है 2022 के चुनाव को लेकर के, और वो क्या चाहती है? आपके पास पूरा समय है, लेकिन कम शब्दों में अपनी बात पूरी रखिए। देखिए, आज की जो महिला है या बच्ची है, वो मैं अश्वनी शाही जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सेफ बिल्कुल भी नहीं। आज 6 महीने की बच्ची का बलात्कार होता है और 60 साल की वृद्धा का भी बलात्कार होता है ये बीजेपी की सरकार में। मैं यहाँ पे किसी पार्टी की तरफ से नहीं बैठी हूँ, मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं जो मुझे दिख रहा है मैं वो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ। तो ये एक डर व्याप्त है, जैसे आज सोनिया गांधी जी ने एक घोषणा पत्र, प्रियंका गांधी जी ने एक घोषणा पत्र जारी किया है कि महिलाओं के लिए क्या क्या वो करेंगी, तो आज भी उससे कोई महिला सुन करके भी कोई महिला संतुष्ट नहीं हुई है या उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं है, क्योंकि बीजेपी के आने के पहले भी बीजेपी ने बहुत सारी या कोई भी पार्टी आने से पहले बहुत सारे उसने लुभावने आश्वासन दिए थे, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में जो देख रहे हैं, मेरे पास जैसे कि अश्वनी जी आपने बोला कि एक्का दुक्का घरों में होता होगा, क्योंकि आप लोग पार्टी से जुड़े हुए, मैं पार्टी से नहीं जुड़ी हुई हूं, मैं एक समाज सेविका हूं, मैं बार बार बोल रही हूं, लेकिन मेरे पास प्रतिदिन 4-5 मामले ऐसे आते हैं जो महिलाएं घर में प्रताड़ित करी जा रही हैं, बच्चियों के रेप हुए हैं, हम लोग समाज सेवी संस्थाएं गई हैं, उनके इलाज कराए हैं और उनके मां बाप को चुप करा दिया गया है। तो ये तो प्रेजेंट जो वर्तमान सरकार है उसके माध्यम से ये सब, मतलब उसके उसमें हो रहा है ना सारी चीजें। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रही, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं वर्तमान स्थिति बता रही हूँ जी। शाही साहब क्या कह रहे हैं? बस एक लाइन में मैं आरती को कह रहा हूँ, आरती जी मैं आपकी बात को मानता हूं, मैंने पहले भी कहा है और छिटफुट की बात नहीं, तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो काम करते हैं ये विकृत मानसिकता के लोग आज भी हैं और पहले भी थे, लेकिन आपका ये कहना कि भाजपा सरकार में हो रहा है ये थोड़ा सा हमको जो है विरोधाभासी लग रहा है। नहीं, वर्तमान सरकार, वर्तमान नहीं, उसके पहले भी, उसके पहले भी अपराध होते थे, उसके पहले भी, मैंने क्लीन चिट किसी पार्टी को नहीं, देखिए वर्तमान सरकार तो हमारी बीजेपी है ना, मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ और मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपराध हो रहे हैं, नो डाउट, इस समय अपराध बढ़े हुए हैं, हो रहे हैं अपराध। हाँ रफा जी, देखिए देश जो है, जो आंकड़े हैं वो बीजेपी के आंकड़ों से नहीं चलते हैं, जो नीति आयोग कह रहा है उससे चलेंगे, सीएमआईई की रिपोर्ट जो कहेगी वो चलेंगे, आपके हिसाब से महंगाई है ही नहीं, ठीक है, समय कम है मैडम। लेकिन अभी जो बात जी, अभी जो बात हो रही थी महिलाओं पर, तो हाथरस की महिला का हम कह रहे, चलिए विकसित मानसिकता की बात है, लेकिन मानसिकता की बात तो है, लेकिन जहाँ पे उसको इंसाफ मिलना चाहिए, जहाँ न्याय मिलना चाहिए, क्या वहां मिल रहा है? पीड़ित परिवार से लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस उन पर दबाव बनाती है, तो ये सरकार का काम है कि न्याय दिलाए, ठीक, तो सरकार वहां पे पूरी तरीके से फेलियर है। हाँ शाही साहब पूरी कीजिए अपनी बात जल्दी से। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी के 33% के पत्र पर भी कुछ बात हो जाती, या नीति आयोग की उस रिपोर्ट पर भी हमारी बहन बात करती जो कोरोना पर नीति आयोग ने भाजपा के उत्तर प्रदेश योगी सरकार के लिए बेहतर करने का प्रशंसा किया था, तो नीति आयोग को उस पर भी बात करनी चाहिए, ये मैं अपनी बहन से कहना चाहता हूं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रमुख मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है और लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो परिदृश्य है, जो चेहरा है वो बदल रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया उत्तर प्रदेश के चुनाव और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हो रहा है, और कुछ ऐसा ही नया आज उत्तर प्रदेश में हुआ कांग्रेस की तरफ से। वो कांग्रेस जो अपनी जमीन उत्तर प्रदेश में तलाश रही है, आज उनकी तरफ से महिला
मैनिफेस्टो जारी किया गया और इसके पहले भी ये कहा गया था कि हम 40% महिला कैंडिडेट्स बनाएंगे, लेकिन अब इसका तोड़ बाकी राजनीतिक दलों के सामने क्या है, क्या उसका नतीजा निकालेंगे, कैसे इस बयान के बाद या इस मैनिफेस्टो से लड़ने के लिए नया मैनिफेस्टो या फिर नई कोई रणनीति तय करी जाएगी, ये देखना अहम है। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, हमें जनमति, नमस्कार।